युगलिनॉइड्स। क्या है? युगलिनॉइड्स। फिर से मैं आपको ये रोड मैप दिखा देता हूं, कहाँ मतलब हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं आपको पता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। हमने क्या क्या पढ़ा प्रोटिस्टा के अंदर? क्रिसोफाइट्स, डिनोफ्लेजेलेट्स हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? युगलिनॉइड्स। क्या? युगलिनॉइड्स। ठीक है, अब देखिए युगलिनॉइड्स क्या है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। इंपॉर्टेंट लाइन, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। आपको क्वेश्चन ऐसे बना देगी कि युगलिनॉइड्स मेजोरिटी, द मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ युगलिनॉइड्स आर मेराइन। तो अगर आपने ये लाइन अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा हाँ ये तो शायद ये मेराइन या फिर फ्रेश वाटर, मेराइन फ्रेश। तो आप लगेगा हाँ शायद मेराइन है मेराइन। तो आप मतलब 4 मार्क तो आपने गवा दिया। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट क्वार्टर। दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट, जो मूव नहीं करती है, जो वाटर मूव नहीं करती है उसको क्या कहा जाता है? स्टेगनेंट वाटर। दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। सेल वॉल की वजह से मतलब इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह में सेल वॉल ना रह के वहां पर क्या रहती है? प्रोटीन रिच लेयर, जिसको पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। प्रेजेंस ऑफ पेलिकल मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड इट्स। ये प्रोटीन रिच पेलिकल रहने के लिए, प्रोटीन रिच लेयर जिसको पेलिकल कहते हैं, पेलिकल की वजह से उसका बॉडी क्या करता है, क्या कैसे रहता है? फ्लेक्सिबल। ये क्या है? फ्लेक्सिबल। मैं जैसे चाह रहा हूँ उससे मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बॉडी रहती है। इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकती है कि फ्लेक्सिबल नॉट बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल, कि यूग्लिनॉइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि आपको बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ रहा है, सभी नहीं है। जस्ट इंफॉर्मेशन रिटेन करना है माइंड पे। और फिर इंफॉर्मेशन कैसे रहती है, जो मैं क्या कहता हूँ कि पढ़ाई में एक मैजिक है। कौन सी मैजिक? कौन सी? रिवाइज करने की मैजिक। अगर आप किसी एक चीज को बार बार रिवाइज करेंगे तब क्या होगा? देखने से, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग या राइट या फिर कौन सी आंसर है। ठीक है, तो दे हैव टू फ्लैजेला। इनमें भी दो फ्लैजेला रहते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। ठीक है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का पिक्चर है। पिक्चर भी आप बार बार देखिए, ये पिक्चर भी देख के भी दे सकता है कि ये किसका पिक्चर है। ठीक है, तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। देन क्या है? न्यूट्रिशन। किसका? यूक्लिनोइड्स का। यूक्लिनोइड्स का न्यूट्रिशन कैसा है ये हम देखेंगे। यूक्लिनोइड्स का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा? तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, मींस यूक्लिनोइड्स ऐसे ही करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट रहती है, वो लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और जब सनलाइट नहीं रहती है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या करते हैं? व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक फिटर ड्रॉप्स। जब सनलाइट नहीं रहती है वो लोग, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट वो लोग क्या करते हैं? हीटर ड्रॉप बन जाते हैं। तब वो बन जाते हैं हीटर ड्रॉप्स, मीन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बाहर किसी तरफ और किसी तरह से अपना खाना लेते। कैसे? बाई क्रिएटिंग अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पकड़ कर खा के अपना एनर्जी लेते हैं। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अच्छा, वो पहले वाली जो न्यूट्रिशन का बात है ना, वो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जब यूग्लिनोइड्स दो तरीके से खाना लेती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक फोटोसिंथेसिस, दे बिहेव लाइक वाटर ड्रॉप्स, एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटर ड्रॉप्स। ठीक है, और
पिगमेंट्स ऑफ यूक्लिनॉइड्स आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स रहते हैं, जैसे ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, अब क्लोरोफिल को सी एच लिखा जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल सी एच एल ओ आर ओ पी एच आई डबल एल, ठीक है जी, क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो पिगमेंट्स ऑफ यूक्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। और एक एग्जाम्पल है यूग्लेना का, यूग्लेना यूग्लेना यूग्लेनॉइड्स का एक एग्जाम्पल क्या है, यूग्लेना, ठीक है।